दोस्तों बारूक जलवा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने एक वीडियो बनाया हुआ था बालकार 654 का, जिसमें कुछ लोग कमेंट करके तेल खपत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ लोग इसको खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने सीधे कंपनी से बात की हुई है, लाभ सिंह जी से हमारी बात हुई है, अब आप लोग उनका ऑडियो सुन सकते हैं और आप लोग को नंबर दे देंगे वीडियो में, उनसे बात भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि दो तरीके का हार्वेस्टर है 654, एक गेहूं जो बनाता है और धान काटता है, और एक 654 है जो सिर्फ गेहूं काटता है और भूसा भी बनाता है, वो धान नहीं काटता है। आप लोग कंपनी का नंबर ले लीजिए, कंपनी से बात करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। और हमने इसमें ऑडियो कंपनी द्वारा बात करके डाल दी है, उससे भी आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। कंपनी है पंजाब के बरनाला में, आइए सुनते हैं ऑडियो। बलकार कंपनी से बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर। ये बलकार जो गेहूं बनाता है 654 जी, इसका रेट कितना है? एक तो सर गेहूं निकालता है, एक भूसा बनाता है, कौन सा चाहिए आपको? दोनों का रेट चाहिए। एक तो 20.5 लाख के सर। अच्छा, एक है 23.90 की। अच्छा, और सर ये दोनों में इंजन सेम है? दोनों में ना इंजन का डिफरेंस है सर, जो 20.5 की है उसका इंजन तो है 101 HP का। 101 HP का? हाँ जी। और जो गेहूं भूसा वाला है? जो भूसा साधन बनाता है उसका है 103 HP का, लेकिन वो धान निकालती। 100 उसमें धान वाला सिस्टम ही नहीं होता सर। गेहूं भूसा वाले में धान, गेहूं भूसे वाले में धान का सिस्टम नहीं होता है? जेडी भूसा बनाएगी वो धान नहीं काटती। अच्छा, मतलब वो धान नहीं काटती, नहीं बनाएगी। हाँ, जो जो भूसा नहीं बनाती वो दोनों काटेगी, गेहूं भी काटेगी धान भी काटेगी। अच्छा, मतलब जो हार्वेस्टर 101 HP वाला 654 है वो तो हाँ गेहूं भी काटेगी धान भी काटेगी, और लेकिन जो ये गेहूं भूसा दोनों काटता है, ये धान नहीं काटता है ना? वो धान नहीं काटता है। ऐसा क्यों सर? उसमें सिस्टम ही नहीं होता सर, भूसे वाला वो सिर्फ भूसे बनाते हैं हर चीज का। मतलब उससे अगर अगर आप धान काटना चाहे तो नहीं काट सकते हैं? वो काटती नहीं सर, उसमें सिस्टम ही नहीं है धान वाला। अच्छा, वो हम लोग वहाँ पे जो भी हम लोग देते हैं, हम लोग उसको देते हैं MP और राजस्थान में। अच्छा, ये गेहूं भूसा वाला? हाँ, यहाँ पे धान नहीं होता। तो इसमें अच्छा सर, ये 133 HP का इंजन होता है गेहूं भूसे वाले में? 133 हाँ, वही 133 हो गया। अच्छा सर, ये दोनों में किस कंपनी का इंजन आता है? लेलैंड का, अशोक लेलैंड का। हाँ जी हाँ। ये दोनों में टायर सेम होता है कि टायर का ऑप्शन होता है अपने हिसाब से? वो जेडी भूसा नहीं बनाती उसका टायर बड़ा होता है, इसका टायर छोटा होता है। उसका 18,030 होता है लेंगे क्या लेंगे? 18,030 का होता है जो 30 का होता है, और जो भूसे वाली होती है उसका 16,930 का होता है। 16,930 का टायर? हाँ, पीसी का टायर सेम होता है 916। अच्छा, मतलब जो सिर्फ गेहूं काटता है उसका 18,430 का होता है? हाँ। जो जो गेहूं भूसा दोनों बनाता है उसका टायर 16,930 का होता है? 16,928 का भी आता है क्या? 16,928 का भी आता है, 16,930 का डालते हैं। अच्छा, तो सर इन दोनों का माइलेज कितना है? माइनस तो अलग अलग होता सर, वो थोड़ा जो जो भूसे जो भूसा बनाती है वो थोड़ा काम दूसरी के मगर काम काट बनाती है। अच्छा, जो भूसा बनाता है और गेहूं काटता है, इसका माइलेज कितना होता होगा एक घंटे में? वो तो अलग अलग होता सर, एरिया के हिसाब से होता है। जो भूसा बनाती है उसका तो बहुत काम होता है, वो तो शाम तक 10 से 15 एकड़ करती है। जो दूसरी गाड़ी होती है वो 15-30 से 40 एकड़ भी कर देती है। अच्छा, तो मतलब गैर भूसे वाली जो होती है सर, वो तो मान के चलो 20 से 30 एकड़। हाँ। जो भूसा बनाती है हाँ। वो 8 से 10 एकड़।
अच्छा, 1 घंटे में? अरे घंटे में नहीं सर, पूरे 1 घंटे में तो, वो तो 1 घंटे में तो एक काटती है। तो इसका माइलेज कितना होता है 1 घंटे में? 7 लीटर, 8 लीटर, 10 लीटर? वो तो सर ये वो तो डिपेंड करते एरिया के हिसाब से करती है। 8 से 10 लीटर तो मान जो दूसरी की मैन होती है वो 8 से 9, 10 से 11। अच्छा, मतलब जो सिर्फ गेहूं काटता है, धान काटता है, उसका मतलब 8 से 9 तक, और जो गेहूं भूसा, और जो गेहूं भूसा दोनों बढ़ाता है उसका 9 से 10 11 तक? हाँ हाँ, उसका इंजन बड़ा होता है ना। अच्छा, और सर इसको लेने के लिए क्या करना होगा? लेने के लिए सर आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, पंजाब में। पंजाब में ही आना पड़ेगा जी। अच्छा, तो मतलब फाइनेंस हो जाएगा इसका? हाँ जी हाँ, बना। फाइनेंस में कितना पैसा देना पड़ेगा? आधा मान के चलो। आधा जी। अच्छा, और क्या डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट मेरे आधार कार्ड चाहिए सर। आधार कार्ड चाहिए? सिर्फ आधार कार्ड? हाँ, मेरे को तो आधार कार्ड चाहिए दोनों साइड, बाकी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ से लगेगा। अच्छा, फाइनेंस किसी भी प्रदेश से हो जाएगा, वो आदमी अपने बैंक से करवा सकता है? अच्छा अच्छा सर, इसका सर्विस का कैसे क्या होता होगा? सर्विस अपना भी वहाँ पे आकर रहता है, मतलब आप कंपनी का ही आदमी आएगा सर्विस करने के लिए? सर्विस अच्छी है? कोई दिक्कत नहीं आती सर, सर्विस में जब क्या होता है, कौन सी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं आती, ड्राइवर बढ़िया होना चाहिए। अच्छा सर, ये गेहूँ भूसे वाला अभी अभी नया लेटेस्ट लॉन्च हुआ है ना? नहीं नहीं, होगा 2 से 3 साल हो गए। गेहूँ भूसे वाला 2-3 साल से मतलब चल रहा है? हाँ 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 जी हाँ जी। परफॉर्मेंस का सही है? बिल्कुल ओके चल रहा है।